फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। बाढ़ अनुमंडल में लिपि सिंह के जाने के बाद एक महीने से अधिक बीत चुके हैं और अब तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद रिक्त है। फतुहा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फिलवक्त प्रभार में है और इस कारण अपराधी एक बार फिर से सिर उठाने लगे हैं। बीते दो सप्ताह में दो हत्याकांड के साथ आज एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे अनुमंडल के लोग एक बार फिर से दहशत में है। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप के मालिक से 8,74,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामला बाढ़ के NH 31 काजी चक मोहल्ला स्थित फुलेश्वर पेट्रोल पंप के मालिक फुलेश्वर प्रसाद से 8,74,000 की लूट से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद बदमाशों ने शाम 7:30 बजे के आसपास, जब पेट्रोल पंप मालिक फुलेश्वर प्रसाद अपने ड्राइवर के साथ फोर व्हीलर में बैठकर पैसे से भरा हुआ थैला लेकर घर के लिए रवाना हुए, कि पूर्व से रेकी कर रहे 3 की संख्या में बाइक सवारों ने उनका पीछा किया और सवेरा एवं नीलम सिनेमा हॉल के बीच के इलाके में जाकर बाइक से ओवरटेक कर वाहन को रोक दिया और ड्राइवर से गाड़ी की चाबी छीन कर पीछे बैठे फुलेश्वर प्रसाद से पैसे से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। घटना को इतनी तेजी से बदमाशों ने अंजाम दिया कि कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। पीड़ित ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन में जुट गई। पुलिस फिलहाल CCTV कैमरे में बदमाशों का फुटेज तलाशने के प्रयास में जुटी है, साथ ही कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई अता पता नहीं है। उल्लेखनीय है कि फुलेश्वर पेट्रोल पंप के मालिक के साथ पहले भी लूट की घटना हो चुकी है। पूरा घटना हुआ, कहाँ से पैसा लेके जा रहे थे? पैसा यहाँ पंप से लेके जा रहे थे, पिताजी ड्राइवर थे। और ये जहाँ पहला मेला जो लगा हुआ था ना शिव मंदिर के पास, वहीं पर का घटना है। पहले से तीन चार मोटरसाइकिल होगा और वो यहाँ से लोकेशन मिला हुआ, लोकेशन वहाँ लोग तैयार होगा, मोटरसाइकिल भी आस्ते आस्ते बढ़ाया और जाम टाइप का लगा दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुकी। उसके बाद एक आया ड्राइवर के तरफ अपाची से और चाबी निकाल करके गाड़ी का चाबी निकाल के हट गया। अब दो तीन बाबूजी की तरफ आया, वो बीच में झोला हुआ रखा हुआ था, वो झोला से झपटने लगा। कितना पैसा था? मैं 9.5 लाख के करीब। अब फिर वो भाग गया, फिर वो भाग गया। हाथापाई हुआ, हाथापाई में उसका टूटी बाबूजी के हाथ में आ गया।